यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी वायुसेना ने रूस के ताकतवर लड़ाकू विमान सुखोई 35 को मार गिराया। इसके मुताबिक उसकी सेना ने यह हमला अपने मिग-29 से किया। हालांकि इस दावे के साथ न तो उसने कोई फोटो जारी की और न ही कोई वीडियो, लेकिन अगर उसका यह दावा सही साबित हुआ तो रूस को 3 महीने के अंदर 2 सुखोई 35 विमान का नुकसान उठाना पड़ेगा। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस के सुखोई और उनके मिग-29 के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। जैसे ही रूसी विमान खेरसोन में बम बरसाने के इरादे से दाखिल हुआ, उसका सामना यूक्रेन के मिग-29 से हुआ, जिसकी मिसाइलों के आगे रूस का सुखोई ढेर हो गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से ट्वीट कर अपनी इस जीत की जानकारी दी गई। उसके मुताबिक हमला दोपहर करीब 2 बजे खेरसोन के पास हुआ। हालांकि रूस ने इस हमले पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक ड्रोन से रूस के टैंकों को तबाह करते दिखाई दिए। रूस के टैंकों का काफिला यूक्रेन के ठिकानों पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन ड्रोन से निगरानी में जुटे यूक्रेन के जवानों की नजर पहले ही उन पर पड़ गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें सैनिकों की टुकड़ी के साथ रूस के कई टैंक खेतों से गुजरते दिखे। जैसे ही वो करीब आए, यूक्रेन की सेना ने उन पर ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। हालांकि काफिला रुका नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ता रहा। तभी टैंकों के आगे जोरदार धमाका हुआ जिससे काफिले को रोकना पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन ने ड्रोन से फिर बमबारी की जिसमें रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं इस हमले से बचने के लिए पुतिन के जवान टैंकों को छोड़ झाड़ियों की तरफ भागते नजर आए। सबूत के तौर पर यूक्रेन ने एक फोटो जारी की जिसमें उसने रूस के कई टैंकों को बर्बाद करने का दावा किया।